हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीवी टीम रियल डबर्स पर। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक एनिमे जिसका नाम है री ज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, या जिसे शॉर्ट में री ज़ीरो भी कहते हैं। तो चलिए रिव्यू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक लाइट नोवेल सीरीज़ है जिसे लिखा है टेपे नागात्सुकी ने, और इसकी 300,000 से भी ज़्यादा लाइट नोवेल कॉपीज़ और 60,000 होम वीडियो कॉपीज़ भी बिक चुकी हैं। यही नहीं दोस्तों, इसकी न्यू स्टोरी कॉन्सेप्ट के वजह से इसे 2015 में न्यू टाइप एनिमे अवार्ड्स और 2016 में एनिमे ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, और फिर 2017 में सुगोई जापनीज अवार्ड भी मिला, जो दर्शाता है कि इसे जापान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी पसंद किया गया है। तो चलिए अब इसके जॉनर और स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका जॉनर ड्रामा, फैंटेसी, फिजियोलॉजिकल थ्रिलर है। अब इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है नात्सुकी सुबारू है, जो स्टोर में जाता है कुछ सामान खरीदने पर। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो तुरंत ही उसे एक लड़की का सपना आता है जो मर रही होती है, और वो उसे वादा करता है कि वो उसकी हमेशा रक्षा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही वो बाहर की दुनिया में आता है, वो खुद को दूसरी दुनिया में पाता है, एक फैंटेसी दुनिया में। पहले तो उसे ये सब सपना लगता है, पर जब लूटने की कोशिश करते हैं तो उनसे लड़ने लगता है, पर उनमें से एक गुंडा उसे चाकू मार देता है तो उसे दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। तब उसे एहसास होता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है, और थोड़ी देर में वो मर जाता है। पर वो जैसे ही मरता है, वो फिर से उसी जगह वापस उड़ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, और वो जितने बार भी मरता है वो फिर से बार बार उसी जगह पर वापस उड़ जाता है। तो फिर नात्सुकी सुबारू की कहानी शुरू होती है एकदम ज़ीरो से, एक नई दुनिया में। दोस्तों, सिर्फ इसका प्लॉट ही नहीं बल्कि इसका साउंड ट्रैक भी बहुत मस्त है, जिसे कंपोज त्सुहिरो केनिचिरो ने किया है, और वो पहले भी 10 से ज़्यादा एनिमे में काम कर चुके हैं, और वो फिजियोलॉजी और थ्रिलर टाइप ड्रामा एंड एनिमे के म्यूज़िक कंपोजिशन में एक्सपर्ट भी हैं। अब इसकी रेटिंग की बारी। तो इसे माय एनिमे लिस्ट पर 10 में से 8.4 रेटिंग मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस एनिमे का ही एक सीज़न है जिसमें 25 एपिसोड है, और एनिमे का कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से इसका फर्स्ट एपिसोड 1 घंटे का है, और इसका सीज़न 2 बनाना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर फैंटेसी और थ्रिलर सस्पेंस टाइप एनिमे की दीवाने हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एनिमे है। ये एक ऐसा एनिमे है जिसके हर एपिसोड में आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस एनिमे को ज़रूर देखिए एक बार। शुक्रिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। आप सब से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, और एनिमे देखते रहिए।